तो आज सभी का एक बार वेलकम आज के हमारे क्लास में, जो कि हमारी पेड क्लास है, जिसका नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्लास शुरू होने से पहले एक टॉपिक किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, या नाम के सिलसिले में थोड़ी चर्चा चल रही है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट, फिर हमारी जो आज की पेड क्लास है डे 1, जो कि डॉक्टर कंचन शर्मा मैम पढ़ाने वाली हैं आप सभी को, वो हम शुरू करेंगे 10 मिनट बाद। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एक नाम की इंपॉर्टेंस, और नाम में भी सबसे पहले आपका जो नाम अक्षर होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो एक नक्षत्र में पैदा होता है, जिसको बोला जाता है आपका जन्म नक्षत्र। ओके, उसी से आपकी सारी दशा सिस्टम शुरू होता है, उसी से आपकी दशाएं निकलती हैं कि आपको जन्म के समय कौन सी दशा मिली है, और उससे एक दशा का पैटर्न शुरू हो जाता है आपकी लाइफ का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, एक फोन था। हाँ जी, अब इसके बाद एक नक्षत्र और आपके जीवन में आता है, जो भी आप अपना नाम रखते हैं उस नाम का पहला अक्षर किसी ना किसी नक्षत्र, किसी ना किसी राशि, किसी ना किसी नक्षत्र और नक्षत्र के किसी पर्टिकुलर चरण को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में दो नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं करते या कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको किस नक्षत्र में पैदा होना है, उसको किस नक्षत्र में पैदा होना है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये भगवान डिसाइड करता है। तो एक नक्षत्र है गॉड गिफ्टेड, जब आप पैदा होते हैं आपको नक्षत्र मिलता है। दूसरा नक्षत्र होता है मैन मेड, जो आपके आपको आपके नाम के फॉर्म में मिलता है, जो आपका नाम है, नाम का पहला अक्षर। किसी तो नाम रखेंगे ना, हर एक अक्षर किसी ना किसी राशि, किसी ना किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जीवन में दो नक्षत्र आते हैं, एक मैन मेड और एक गॉड गिफ्टेड। अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपेटिबल नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपका कोई और दुश्मन नहीं, आपका नाम ही अपना दुश्मन है, आपका दुश्मन है। यस, आकाशिक की पहली क्लास है, लेकिन मैम अभी आने वाली हैं, तो जब वो आती है मैम शुरू करते हैं क्लास को। मैम आ गई हैं, लेकिन एक टॉपिक चल रहा है, उसके बाद आकाशिक की पहली पेड क्लास हमारी शुरू होगी। तो अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल नहीं है तो जिंदगी में ये समझिए कि एक जिंदगी की गाड़ी है आपकी, उस गाड़ी में दो घोड़े हैं, एक रथ रूपी गाड़ी है जीवन की आपकी, और उसमें दो घोड़े सवार हैं, दो नक्षत्र आपके। अगर ये नक्षत्र आपस में कंपैटिबल है तो जीवन की गाड़ी एक सिरे पर चल रही है, और अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, तो जिंदगी की गाड़ी कैसी चलेगी। और 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, बड़े से बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट, इस बात को देखता ही नहीं है कि आपका नाम का पहला अक्षर आपके जन्म से कंपैटिबल है या नहीं है। और वो क्यों नहीं देखता, क्योंकि 99% न्यूमरोलॉजिस्ट को ज्योतिष नहीं आता, फिर लेके घूमते रहते हो आप अपना नाम, कभी ए लगा लिया, कभी आई लगा लिया, और बड़े खुश होते रहते हो, यार भाई साहब मैं तो नाम चेंज करा के आ गया मुकेश अंबानी के बाद, मुकेश अंबानी से ज्यादा दौलत मेरे पास ही होगी, आज ही चप्पर फटने वाला। ठीक है, तो पहले बात तो इसलिए किसी का नाम की वाइब्रेशन चेंज करते हुए भी अफेक्ट नहीं आता। और जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं अभी तक कि नाम चेंज करने से छप्पर फट जाते हैं और डेस्टिनी बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है, तो इस गलत फहमी को जितना दूर कर देंगे उतना ही बढ़िया है, उतनी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं सारी चीज समझाऊंगा आपको, लेकिन आज का हमारा वेबिनार नहीं है ये, आज हमारी पेड आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्लास है, तो उस पर फोकस करेंगे। और एक दो दिन बाद से हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर 4-5 मैं वेबिनार करने वाला हूं, जिसका मोटिव ही होगा नेम करेक्शन कैसे किया जाता, क्या प्रोसेस है।
लेकिन ये दिमाग से हटा देना, और जिसको भी ये मिथ है मेरे वेबिनार में आना, मेरे से कम्युनिकेट करना, मैं बता दूंगा, या तो मैं अपनी बात मान लूंगा, मतलब मनवा लूंगा, या आपकी बात मान लूंगा, ठीक है, कि नाम चेंज करने से कितना छप्पर फटता है, और क्या नाम भी चेंज किया गया तो सही तरीके से किया गया है, नहीं किया गया होगा। पहले बात तो जिसका भी नाम चेंज किया ना, उससे पूछ लेना कि दो चीजें पूछिए आपसे नाम चेंज करने वाले ने, पहली कि नाम का पहला अक्षर उसने चेक किया कंपैटिबल है, 99% नहीं किया होगा। दूसरा, क्या नाम चेंज करने से पहले, कोई आप स्पेलिंग चेंज करने से पहले, उसकी वाइब्रेशन चेंज करने से पहले आपसे ये पूछा गया कि आपकी लाइफ की डिजायर क्या, आप क्या बनना चाहते हो, नहीं पूछा गया होगा। तो आपने अपनी डेस्टिनी, आपने अपना भाग्य किसी ऐसे इंसान के बारे में सामने रख दिया, वो शायद ब्रह्म ज्ञानी है सामने वाला, कि 5 मिनट में आपका भाग्य डिसाइड करके दे रहा है। भैया इतना आसान अगर भाग्य बदलना होता तो ये न्यूमरोलॉजिस्ट वाले ना सारे अपना भाग्य बदल चुके होते हैं। किसका भाग्य बदला है, मेरे से बात करा दे। नो डाउट एक एनवायरमेंट मिलता है, एक वाइब्रेशन चेंज होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाग्य बदल जाता है, ये दिमाग से हटाना, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वेबिनार में चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब वेबिनार होने। और खुशखबरी है, हमारे बीच में डॉक्टर कंचन शर्मा मैम आ चुकी हैं और मैं इनको को-होस्ट बना रहा हूँ, और आज की हमारी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की पहली क्लास है वो अब हम शुरू करते हैं। जिनके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, अगर टाइम लगेगा तो मैं बाद में आपके क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, ठीक है। तो पहले क्लास कर लेते हैं, एक मैम से हाई एनर्जी लीजिए, ये तो छोटी छोटी एनर्जी हम देते रहेंगे आपसे। वेलकम मैम आपका। सभी को जय श्री कृष्णा। दोबारा से जय श्री कृष्ण का नारा लगवाता हूँ इनसे, कलयुग में नारा लगाने से ना पाप धुल जाएंगे सबके। कुछ तो जय श्री कृष्ण बोले, जय श्री कृष्ण, 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 हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। मैम आप अपने आपको अनम्यूट कर लेना और रिकॉर्डिंग चालू है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आज से हमारी पहली क्लास है, जो लोग एनरोल कर चुके हैं वो सीरियसली लें, क्योंकि क्लास रिपीट नहीं होगी, आज हमारी पेड क्लास है पहली, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट से हमने कुछ लोगों को इनविटेशन भेजा, क्योंकि वो मैम के साथ लाइव एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते थे, तो काफी सारे लोग कल नहीं आ पाए, तो उन्होंने आज हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आज की क्लास आप मैम के साथ 1-to-1 एनर्जी एक्सचेंज करें, ओके। और कल से फिर हमारा ग्रुप बन चुका है, कल से पेड ग्रुप में आपको ये सारे लिंक मिलते रहेंगे। यस मैम, ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की। और आई थिंक जो भी मुझे इस समय स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल वाले हैं, कुछ नए बच्चे भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो इसलिए जो भी हमने कल वेबिनार किया था, मेरे पास उस सिलसिले में काफी फोन आए, हो सकते हैं कि नागेश सर के पास भी काफी फोन इस सिलसिले में गए हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर रही हूँ जो कल हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर जो हमारी आज की क्लास का कंटेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट, जैसा कि कल हमने समझा था कि क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या होता है आकाशिक फील्ड, तो यहां पर समझने से पहले आपको क्या समझना जरूरी है, आपको अपने ऑरा के बारे में समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो पहला पॉइंट कि जैसा हमारा ऑरा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑरिक फील्ड। हमारा जो ऑरा है उसको कहा जाता है ऑरिक फील्ड, राइट। अब जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो क्या है, वो है हमारा सोल, हमारी आत्मा। अब एक छोटा सा पॉइंट समझो, उस आत्मा का भी एक ऑरा होता है, जो कहां पर होता है, जहां पर हमारा ये ऑरा खत्म होता है उसके बाद जो फील्ड स्टार्ट होता है वो होता है हमारी आत्मा का ऑरा, जिसको आप कह सकते हो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसको आप कहोगे आपकी अपनी सोल लाइब्रेरी, जिसको आप बोलोगे आपकी अपनी सोल बुक। देखो अब एक बड़ी सिंपल सी भाषा में समझना, ये मेरा ऑरा है, ठीक है। मान लेते हैं
कि ये यहां तक, जहां तक भी आपको हाथ दिख रहे होंगे, ये यहां तक जा रहा है। ऑल्दो इसका अपना एक पैरामीटर होता है, जैसे जैसे आप साधना करते हैं उस तरीके से बढ़ता है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है आपकी अपनी सोल बुक, सोल बुक या सोल लाइब्रेरी, या फिर आपका अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या होता है उस आकाशिक रिकॉर्ड में, यानी आपकी अपनी आत्मा किस किस प्रकार के कर्म करके चलती चली जा रही है। बार बार वो जन्म ले रही है और बार बार वो मर रही है, बार बार जन्म ले रही है और बार बार वो मर रही है। तो वो सारा रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, आपके अपने आकाशिक फील्ड में। वो रिकॉर्ड हम कहाँ पर देखेंगे, अपनी सोल लाइब्रेरी में। उस बुक को लेने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी हम जो क्लास में सीखेंगे, सबसे पहले होती है हमारी ओपनिंग प्रेयर क्या है, फिर हमारी क्लोजिंग प्रेयर क्या है, फिर हमारी पाथवे प्रेयर क्या है। ये जो सारी प्रेयर्स है उस आकाशिक फील्ड में हम लोग आज नहीं चलने वाले, क्योंकि आज मुझे आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद ही आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि आप अपने उन रिकॉर्ड्स तक, अपनी सोल बुक तक, अपने खुद के आकाशिक फील्ड तक आप पहुंच पाओ, है ना। तो आज हम सिर्फ उसकी एक बेस बनाएंगे। ऑल्दो ये जो शब्द है हमारा आकाशिक फील्ड या आकाशिक बुक या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये वैसे एक नई विद्या नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये एक नई मोडेलिटी है, भाई नहीं, ना ना ना, ये तो फिर गलत फहमी है। ये एक नई विद्या नहीं है। वास्तव में देखें तो ये हमारे अपने संतों की, हमारे अपने ऋषि मुनियों की, हमारी अपनी भारतीय परंपरा की एक विद्या है। अगर आप में से किसी ने भी एक्सपीरियंस किया हो संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, या अपने गुरुओं का, अगर किसी ने भी एक्सपीरियंस किया हो, तो वो क्या करते हैं, मान लेते हैं आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए हो, ठीक है, आप मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए, तो मैंने क्या किया, यानी मैंने या संतों ने क्या किया, अपनी आईज क्लोज की, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया, कमांड ली अपने क्राउन चक्रा, क्योंकि संतों के तो वैसे ही एक्टिवेट होते हैं, तो उन्होंने उसको एक्टिवेट किया। वो कहां गए, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में गए। वहां पर उन्होंने चेक किया कि मेरे इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मान लेते हैं एक जनरल सा केस जो मेरे पास बार बार आता है, कंसीव के लिए आता है, अबॉर्शन के लिए आता है, ऐसे केस बहुत ज्यादा आते हैं कि लेडीज जो है कंसीव नहीं कर पाती हैं, या अगर हो भी गया तो वो एबोर्ट हो गया, या बिजनेस खड़ा किया, एक एम्पायर खड़ा किया और उसके बाद एकदम से डाउन हो गया। मान लेते हैं हम किसी से पूछने के लिए चले गए, उसने आपका कोई आकाशिक रिकॉर्ड वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ आपकी अपनी आंखें बंद की और आपको विजुअलाइज करते हुए वो उस डायमेंशन में चले गया, और वहां पर जाकर आपके जो भी कर्मास थे उन्होंने उसको कैच किया और देखा कि वहां पर ये सोल क्या गलती करके आई है। फिर वो क्या करते हैं, उसी गलती को सुधारने के लिए आपको पूजा पाठ के कुछ नियम बता दिए जाते हैं, कुछ दान बता दिया जाता है, कुछ जप बता दिए जाते हैं, कुछ स्नान बता दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो कर्म कटता था और फिर आप सही रास्ते पर आ जाते थे, है ना। अभी तक तो हमारी भारतीय संस्कृति में यही चलता हुआ आ रहा था, परंतु क्या हुआ, क्या समय के साथ साथ ये विद्याएं लुप्त होती चली गई, लुप्त होती चली गई। जैसे अगर आपने सुना हो स्पर्श चिकित्सा, जैसे कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जैसे भगवान महावीर का नाम ले, बुद्धा का नाम ले, तो वो किसी को भी ऐसे टच करते थे तो वो चीज उसकी हील हो जाती थी। सिर में दर्द है, माथे में दर्द है, या कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो वो क्या करते थे, सिर्फ इसको टच किया और उसके बाद बंदा ठीक हो जाता था। वो क्या होती थी, स्पर्श चिकित्सा।
जो हमारे ऋषि मुनियों के पास उनके हाथों में से वो ऊर्जाएं निकलती थी, वो उनकी अपनी तपोबल था, उसको कहा जाता था तपोबल, है ना। परंतु समय के साथ साथ वो विद्याएं लुप्त हो गई, फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज में गई, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी इन विद्याओं को टटोला। तो जो वो स्पर्श चिकित्सा थी उसने रेकी का नाम लिया, नाम बदल गया, नाम बदल के हो गया रेकी। अब वो रेकी बदलकर जब हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न से होते हुए हमारे इंडिया में आई, तो हम लोग बड़े खुश हो गए। अगर वास्तव में समझे तो ये हमारी अपनी ही विद्या थी, जो हमारी अपनी संतों की मुनियों की धरोहर थी। परंतु कोई बात नहीं, फिर वेस्टर्न कंट्री से होती हुई ये हमारे पास वापस पहुंची और नाम बदल दिया गया, इंग्लिश का नाम हो गया रेकी। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से अब जो हमारी ऋषि मुनियों की विद्या थी, वो आंख बंद करते थे और फिफ्थ डायमेंशन में जाकर वो उस चीज को कैच कर लेते थे कि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब विद्या लुप्त हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको समझा, समझा तो फिर क्या हुआ, नाम बदल गया, नाम बदल गया, क्या नाम आ गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स, सोल बुक, सोल लाइब्रेरी। मतलब सुनने में ही बड़े कैची कैची नाम है ना ये। आज के समय में इंसान को इसे कैची हो, मतलब कि जैसे जो भी अब खाने को देखो ना, जैसे जोमेटो, भाई बड़ा कैची नाम लगता है, नहीं भी खाना होगा बंदा तभी भी मंगा लेगा कि जोमेटो बड़ा अच्छा है, जोमेटो बड़ा अच्छा है। मतलब कैची कैची से जो नाम होते हैं ना, वही हमारे को बड़े अच्छे से लगने लग जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, वास्तव में ये हमारी अपनी ही प्राचीन विद्या है, जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने किया था, अब नाम बदल के साइंटिफिकली प्रूव हो गया। अब साइंटिफिकली क्या प्रूव हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में गई, तो यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में गई तो नेचुरल है, जो हमारा चित्रगुप्त था ना, चित्रगुप्त याद है ना सबको, चित्रगुप्त, तो वो जो चित्रगुप्त था ना, उसका नाम बदल गया, क्योंकि वहां से फॉलो होती हुई आ रही है चित्रगुप्त, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज से होती हुई आई, तो भाई उन्होंने अपना भी तो गौरव रखना है, उन्होंने नाम रखा मेट्राटोन, उनके हिसाब से उनका नाम क्या हुआ, उस एंजल का नाम क्या हुआ, मेट्राटोन। अब ये मेट्राटोन कौन है, ये वो है जो हमारी सोल बुक की रखवाली करता है, हमारी सोल बुक की रखवाली करता है ना। लेकिन केवल मेट्राटोन जो है एक कीपर है, इसके साथ साथ हम क्या मानते हैं कि केवल एक मेट्राटोन से हमें परमिशन लेनी जरूरी है। एक बात और याद रखना, जो हमारे अपने सोल रिकॉर्ड हैं, उसकी देखभाल करने वाले बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या हो सकता है, नंबर वन, हमारे कोई भी गुरु, अगर हम किसी गुरु को मानते हैं, वो गुरु हमारे सोल रिकॉर्ड के ऊपर बैठा हुआ होगा, राइट। हम किसी ईष्ट को फॉलो करते हैं, वो ईष्ट हमारे सोल रिकॉर्ड के आसपास बैठा होगा। अगर आपने पितरों की पूजा की है, मतलब अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाया, अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाया, तो वो जो पितर है, हमारे पितर भी हमारे उस सोल रिकॉर्ड के पास बैठे हुए होते हैं। ऐसा कौन कहता है, मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा गरुड़ पुराण ने बोला। गरुड़ पुराण ने क्या कहा, गरुड़ पुराण ने यही कहा कि जब भी कोई मानव देह छोड़ देता है, तो उसको एक वो नदी पार करनी पड़ती है। कौन सी नदी थी, शायद वैवतनी नाम की कुछ ऐसा नदी आती है, वैवतनी ऐसा कुछ नाम आता है। कोई भी जब हम देह छोड़ते हैं, तो एक वैवतनी नदी को पार किया जाता है, उसके बाद जो हमारी सोल होती है एक लाइट में मर्ज हो जाती है, दैट इज डिवाइन लाइट। वहां पर क्या होता है, वहां पर जो हमने कर्म किए थे उसका पूरा लेखा जो स्वाति श्रीवास्तव ने लिखा, हाँ वैतनमी, वैतनमी, हाँ ऐसा कुछ नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ नाम होता है वैतनमी नदी। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो भी हमने एट प्रेजेंट कर्मा किए थे इस करंट लाइफ में, वो क्या होगा, वहां पर पूरा हम अपनी ही कहानियां सुनेंगे, भाई मैं क्या क्या करके आया हूं, वो पूरी चीजें हमें वहां पर सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, यानी हम खुद को देख रहे होते हैं।
है ना। अब वहां पर क्या हुआ, सारे हमारे को लाइफ के लेसन्स सिखाए जाएंगे, मैंने क्या क्या गलती की थी इस जर्नी में, क्या मैं केवल पैसे के पीछे भागता रहा, क्या मैं इस जर्नी में केवल और केवल अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए भागता रहा, क्या मैं बार बार लॉस होते रहे और फिर मैं फिर उस एम्पायर को खड़ा करता रहा। तो पूरी जिंदगी क्या मैंने उस ईश्वर को ध्याया जिसके लिए उसने मुझे एक मानव शरीर देकर भेजा था, एक उद्देश्य देकर भेजा था, क्या मैंने उसको निभाया क्या मैंने उसको नहीं निभाया। ये सारी चीजें मैं और आप उस चीज को फेस करने वाले हैं, है ना। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर ये समझ लो कि एक प्रोजेक्ट हमें फिर से दे दिया जाएगा, लाइफ के जो लेसन्स हम वहां पर सीख रहे हैं वहां पर हमें सिखाए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लो, आप सभी जितने भी बच्चे इस समय पर जुड़े हुए हो इंक्लूडिंग मी आल्सो, आप क्या सोच रहे हो कि ये सारी चीजें आपने चुनी है, आप इस ओकल्ट साइंस में आ रहे हो, आप इस ईश्वरी विद्या में आ रहे हो? नो, नेवर, ये आपकी गलत फहमी है। यहां पर बिल्कुल उस स्पिरिट वर्ल्ड में हम लोगों को ट्रेंड किया गया था, है ना। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, ऑल ऑफ अस आर स्पेशल, ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड, ऑल ऑफ अस आर डिवाइन। एक लेमैन ये विद्या नहीं पढ़ सकता। आप और मैं वहां पर बैठकर ईश्वर के एंजल्स ने हम लोगों को इस विद्या के लिए तैयार किया है, हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल ट्रेनिंग कैसी, ऐसे ही जैसे अभी हम जूम पे बैठे हुए हैं, मैं इधर हूं और आप सब वहां पर अपने अपने घर में हो, एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी वहां पर ट्रेनिंग हुई है, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। तुम ये समझ लो अपने शरीर को इस समय छोड़ दो, एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में, बिल्कुल चिल होकर बैठो, तुम्हें क्या लगेगा कि मेरे हाथ पैर शरीर मतलब मेरे तो है ही नहीं, मैं एक अलग दुनिया में जाकर उस चीज को समझ रही हूं, देख रही हूं। तो वो जो लेसन था वो लेसन देकर हमारे को धरती पर भेजा गया, वापस जन्म मरण का चक्कर, वापस बार बार जन्मो बार बार मर जाओ। क्या हम इसीलिए हैं, कर्मा तो हमें करना ही है, परंतु आप सबसे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी कि कोशिश करना हम अपने उस देवत्व को वापिस पा लें। ये देह जर्नी में हम वो कर्म कर चले, हम अपने वो जो कर्म बंधन है जो हमारे साथ हमारे रिश्तों के रूप में है, हमारे मित्रों के रूप में है, जैसे भी हैं अच्छे या बुरे, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। तो ये सारे लेसन्स हमें वहां पर सिखाए जाते हैं, ये सारे लेसन्स सीखकर फिर वो आत्मा वापस जन्म लेती है। अब जन्म लिया, मान लो कि कोई बार बार फाइनेंस के लिए परेशान हो रहा था तो क्या ही हो गया, अब हम उसका रिकॉर्ड खोलेंगे, देखेंगे कि उसका फाइनेंस क्यों बार बार खराब हो रहा है, उसने ऐसा क्या किया। तो फिर हम वहां पर जाकर उस फिफ्थ डायमेंशन में जाकर, जो मैंने आपको कल कहा था, उस फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे और उन चीजों को हम हील करेंगे। तो वो जो हीलिंग टेक्निक है, जैसे कि मैंने कल बताया कि वो हमारी एक एडवांस लेवल की टेक्निक है, तो वहां पर जाकर हम उन चीजों को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे, राइट। दूसरा एक और पॉइंट समझना पड़ेगा कि कुछ रूल्स होते हैं, इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप किसी भी समय बैठो और अपना रिकॉर्ड खोल के और बैठ जाओ, ना, नेवर। कुछ नियम है, समझना पड़ेगा हमें। क्या नियम है भाई? नियम ये है, आप जब पेन में हो तो रिकॉर्ड मत खोलना, आप जब दुखी हो तो मत खोलना, गुस्से में हो तो मत खोलना, कोई एंगर है तो मत खोलना, और एक पॉइंट और, रात को ज्यादा लेट नाइट कुछ मत खोलना, क्योंकि तुम्हें पता लगा कि भाई हम गए तो वहां थे और अपने साथ पता नहीं क्या क्या और उठा लाए,
तो इसलिए ज्यादा लेट नाइट भी नहीं खोलना, और किसी का भी अगर खोलना है तो हमें प्रॉपर एक परमिशन लेकर और उस समय पर हमें इसको खोलना पड़ेगा, है ना। अभी क्योंकि मैंने ना लैपटॉप दूसरा लिया हुआ है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं चेक करती हूँ अगर स्लाइड्स खुलती हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की ये चीजें हो सकती हैं हमारी सोल बुक कैसी हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये खुल पाएगा, चलो एनीवे कल देख लेंगे उस चीज को। तो अब जो है उस रिकॉर्ड को खोलने से पहले जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो वहां तक जाने के लिए, क्योंकि आपके कुछ ब्लॉकेजेस पड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, खास तौर से एट प्रेजेंट मुझे नीलिमा मस्की जिनका ओरा पूरी तरीके से इस समय मुझे पैक दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि जो इनको रिलीज करनी जरूरी है। अगर ये उस कचरे के साथ ऊपर चले जाएंगे तो क्या ही लेकर आएंगे, कुछ नहीं आने वाला। अब हम क्या करने वाले हैं, एक 10 मिनट की छोटी सी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, इस मेडिटेशन को कहा जाएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से, जिसको हम कहेंगे इनर चाइल्ड मेडिटेशन, क्योंकि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हमारी जो ब्लॉकेजेस है, वो स्टार्ट कहां से होती है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई होती हैं जो हमें बचपन की चीजें परेशान कर रही होती हैं। मेरी माँ ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, या मेरे भाई ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, या 100 और 150 तरह की बातें वहां पर पड़ी हुई होती हैं। तो आपके लिए जरूरी क्या है, वो सारा जो क्लटर्स पड़ा हुआ है ना, वो सारा जो क्लटर्स, उस क्लटर्स को जब तक कि हम हटा नहीं लेंगे, अपने सबकॉन्शियस को खाली नहीं कर देंगे, तो वो मटका भरने वाला नहीं है। आपका सबकॉन्शियस, इनर कॉन्शियस उन मेमोरीज के साथ भरा हुआ है, और वही आपकी लाइफ के, मेरी लाइफ के क्लटर्स हैं। और अगर आपने अपने हायर सेल्फ से मिलना है, अपने हायर सेल्फ से मिलना है, तो इस क्लटर के साथ हम नहीं जा सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि इस क्लटर को रिमूव कर देना, और ये क्लटर कहां से आएगा, हमारे बचपन से। तो ये स्टार्ट होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन करें और मेरे साथ आई कांटेक्ट में ज्यादा रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ऑन करें, और पानी का ग्लास ले ले। अनुपमा, यस अनुपमा, यू वांट टू से समथिंग? यस अनुपमा, अनम्यूट करें। यस मैम, राधे राधे। राधे राधे बेटा। मैम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो तो नहीं है कि हैवी स्टमक हो तो कुछ, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, परंतु एट प्रेजेंट जो अभी हम कर रहे हैं वो बहुत हल्के वाला है। आपने नॉनवेज तो नहीं खाया हुआ ना? नहीं, बस खाना ही खाया, अभी आधा घंटा हो गया वैसे। अरे भाई कोई बात नहीं, दाल रोटी तो खाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और क्या ही बोल रहे, बस खाया ना, बीच में हड्डियां नहीं अटकनी चाहिए, हड्डियां होंगी तो वो नचेंगी भाई, तुम्हें भी नचाएंगी और मुझे भी नचाएंगी, हड्डियां नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, हड्डियां नहीं है, हड्डियां नहीं है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यस नीलिमा, बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी आज की क्लास का मेन मोटो है पहले वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लेंगे, अदरवाइज ज्यादा डिले हो जाता है। तो पानी ले लो और कैमरा जो ऑन कर सकते हैं ऑन करो, और फिर इसके बाद चलते हैं एक 10 मिनट का ब्रेक लेके।
अब पानी पीना ना थोड़ा इसलिए जरूरी होता है, मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि जब हम उस डायमेंशन में चल रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हमारी बॉडी ना वैसी हो जाती है, तो पहले से ही एक अंदर पानी वानी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर हम उस सफर को ना बड़ी आसानी से करते हैं। वो मेरे को ना गाना याद आ रहा है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, है ना। चलो अब हम चलते हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी की ओर, और अभी हम करने वाले हैं इनर चाइल्ड। ऑल ऑफ यू आर रेडी? चाहे चैट बॉक्स में लिखो या फिर अपना हैंड रेस कर दो, अगर आप सभी रेडी हैं तो हम स्टार्ट करेंगे। यस, आप सभी रेडी हैं? यस, वेरी गुड। यस, सभी के हैंड रेज हैं और सभी ने लिख दी दिया। चलो जी, आबिर रॉय, कितना प्यारा बच्चा मुझे लग रहा है, हंसता मुस्कुराता हुआ सा, कितना मतलब भाई साहब ऐसा होना चाहिए। और ये जो यंगस्टर होते हैं ना, इतने प्यारे से बच्चे, देख के ही मन खुश हो जाता है। एक ये बैठी हमारी कोयल, कोयल रानी, कितने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। झरना, झरना वार्षने, तो भाई मजा आएगा करने में। और स्माइलिंग फेस में जरा हम काम स्टार्ट करने वाले हैं आज की, और इस जर्नी का नाम है इनर चाइल्ड। यस, किसी के कुकर की सीटी ना ही बजे तो अच्छा है, कुकर की सीटी का ध्यान रख लेना भाई, कुकर की सीटियां ना बजे। बिल्ली हो घर में, कोई पैट हो, तो भाई थोड़ा उसको साइड में कर लेना। जैसे कल एक किसी ने बोला था कि भाई एक छोटा बच्चा भी है, तो कोई बात नहीं, वो बच्चा भी आराम से सो जाएगा। चलो तीन बार हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, और अभी हम नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप इनहेल करें तो आपकी टमी बाहर आनी चाहिए, जब आप एक्सहेल करें तो आपकी टमी अंदर जाए। सांस बाहर जा रही है तो टमी अंदर जा रही है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तीन बार हम ये करने वाले हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी आप अपने फीट को फोकस करेंगे, अपने पैरों के आसपास फोकस करेंगे, आपके पैरों के आसपास अभी हमने एक एनर्जी डाली है जो प्योर वाइट, जिसको हम कहेंगे मिल्की वाइट, एक मिल्की वाइट कलर की एनर्जी जो एक बॉल के रूप में है, वो आपके फीट के आसपास, आपके पैरों के आसपास आ चुकी है। अपने पैरों के आसपास उस एनर्जी को फील करें, अब ये एनर्जी ऊपर उठनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे ये ऊपर उठ रही है,
और अब ये आपके नीज तक आ चुकी है। नीज से होते हुए आपके थाइज को कवर कर रही है, आपके हिप्स को कवर कर रही है। नाउ रिलीज एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेस थ्रू योर हिप्स, रिलीज ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस थ्रू योर हिप्स, रिलीज ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस थ्रू योर फीट। अब ये एनर्जी धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र पर आ चुकी है। मूलाधार चक्र को कवर कर रही है। मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए स्वाधिष्ठान चक्र पर ये एनर्जी मूव कर रही है। स्वाधिष्ठान से होते हुए नाभि पर आ चुकी है। नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र को ये कवर कर रही है और आप इसको घूमता हुआ महसूस करें। मणिपुर चक्र का क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसको बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, इसकी पंखुड़ियों को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। मणिपुर चक्र को क्लीन करने के बाद ये एनर्जी बॉल ऊपर उठकर आपके अनाहत चक्र पे आ चुकी है। अनाहत चक्र पे आ चुकी है। अनाहत चक्र से अब ये आपके विशुद्धि चक्र को क्लीन कर रही है। विशुद्धि चक्र से होते हुए आपका पूरा फेस कवर हो रहा है। आंखों के आसपास छोटे बड़े सभी चक्र क्लीन हो रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। क्राउन चक्र पूरी तरह इस लाइट से भर चुका है। अब ये बॉल हमारी बैक में जा रही है। बैक में जा रही है हमारी गर्दन को कवर करते हुए। गर्दन को कवर करते हुए लोअर बैक अपर बैक को कवर कर रही है और बैक से होते हुए ये वापिस हमारे फीट के द्वारा मदर अर्थ में जा रही है। मदर अर्थ में जा रही है। आप क्लीन हो चुके हैं। अब आप अपने सामने अपना वो बचपन का रूप, जैसे कि आप बचपन में थे, अभी आप उस बच्चे को अपने सामने देखें जैसे कि आप बचपन में थे, मेल या फीमेल आप जो भी हैं, आप अपना वो बचपन देखें। आप अपने सामने
अपने ही बाल रूप को देखें, अपने सामने अपने उस बाल रूप को देखें, अब जहां ये बाल रूप आपको दिख रहा है, आपको अपना ही बचपन दिख रहा है, इसी के साथ एक और टीवी स्क्रीन लगी हुई है। आपको टीवी स्क्रीन भी दिखाई दे सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई क्रिस्टल बॉल दिखाई दे, या जिस प्रकार पानी का बुलबुला होता है आपको वो दिखाई दे, आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है। पानी का बुलबुला दिखाई दे सकता है, कोई टीवी स्क्रीन दिखाई दे सकती है, कोई क्रिस्टल बॉल भी दिखाई दे सकती है। इन तीनों में से जो भी आपको दिख रहा है, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना। बहुत हल्के में देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जहां पर वो बच्चा खड़ा है, उसी के साथ आपको ये भी दिख रहा है। और इस बुलबुले के अंदर जब वो बच्चा देख रहा है, तो वहां उसको बचपन के बहुत सारे पेन दिखाई दे रहे हैं। कोई टीचर्स के पेन, किसी ने हरासमेंट किया, किसी ने किसी प्रकार से शोषण किया, किसी फैमिली मेंबर ने किया, किसी रिलेटिव्स ने किया, किसी यार दोस्त ने किया। इस स्क्रीन को, इस बुलबुले को बड़े ध्यान से देखो, इसमें वो पेन नजर आ रहे हैं जो बचपन में थे ना। माँ ने मुझे मारा, अभी तक मेरे दिमाग में वो पड़ा हुआ है। मैंने गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मारा, तो वो छाप दिमाग में पड़ी है। मेरे ऊपर बिना किसी कारण का चोरी का इल्जाम लगाया गया। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आप अपने अनुसार देखें, उसके अंदर देखते चलो क्या क्या दिख रहा है। जीवन की बहुत सारी घटनाएं, बचपन से लेकर अब तक की बहुत सारी घटनाएं दिखेंगी। देखो क्या क्या दिख रहा है। इसके अंदर जिंदगी का सारा क्लटर्स पड़ा हुआ है, जो मुझे मेरे हायर सेल्फ से मिलने नहीं देता, जो मुझे उच्चतम सफलता से रोकता है, जो मुझे जीवन के उस उद्देश्य को पूर्ण करने से रोकता है। ये वही दर्द है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये वही पेन है जो आगे नहीं आने दे रहा। मेरे पिताजी ने कुछ कह दिया, स्क्रीन में वो भी दिख रहा है। वो सारी पिक्चर्स बचपन की आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। मैंने अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से, अपनी बहन से कुछ मांगा था, लेकिन उस समय उन्होंने वो मुझे नहीं दिलाया, मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई।
वो मेरा पेन अभी तक पड़ा हुआ है कि जिस समय मुझे जरूरत थी मुझे वो चीजें नहीं दिलाई गई। मैंने उनसे कंप्यूटर मांगा था, मुझे दिलाया नहीं गया था। मैंने उनसे हारमोनियम मांगा था, मुझे दिलाया नहीं गया था। वो पेन पड़ा हुआ है, वो पेन, यही वो पेन है जो मेरी हायर सेल्फ से मिलने में मुझे रोकता है, मेरी उच्चतम सफलता को मिलने से मुझे रोकता है। ये बुलबुला इस समय पूरी तरह से काला हो चुका है, ये पूरी तरह से काला हो चुका है। अब आप इसको उठाओ, अगर स्क्रीन दिख रही है, बुलबुला दिख रहा है, बॉल दिख रही है, आप इसको उठाओ और यूनिवर्स की ओर उछाल दो, ब्रह्मांड की ओर उछाल दो, आसमान से ऊपर उछाल दो, बिल्कुल ऊपर उछाल दो, और उसको निर्देश दो कि वापिस तुम मेरी जिंदगी में नहीं आओगे। यूनिवर्स में पूरी तरह ऊपर फेंक दो और अपने हाथों से कैची बना के दो उंगलियों से तीन बार बोल दो, कट कट कट। उन कर्मास को, उन स्पेन को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से, अपने सबकॉन्शियस से, अपने इनर कॉन्शियस से निकालकर इस सबकॉन्शियस को खाली कर दो, पूरी तरह खाली हो जाओ। अभी आप पूरी तरह से खाली हो चुके हो। दोनों हाथ फैलाओ और यूनिवर्स से प्रार्थना करो, आप मुझे प्रेम से भरी, प्यार से भरी, विश्वास से भरी, उच्चतम सफलता से भरी, सुख समृद्धि तंदुरुस्ती ऐसी ऊर्जाएं मुझे प्रदान करो, मुझे वो आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रदान करो, मुझे वो अद्भुत ज्ञान वाली ऊर्जाएं प्रदान करो जिससे मैं अपना कल्याण करूं और जगत का भी कल्याण करूं। आपका सबकॉन्शियस इस सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता चला जा रहा है, आपका ऑरा उस दिव्यता को प्राप्त हो रहा है, और अब आप अपने इस दिव्य ऑरा के साथ अपनी माता को हग करें, अपनी मॉम को हग करें, अपनी मां को हग करें, बहुत जोर से उनसे गले से मिले और इनको बोले, मां आपने जो भी मेरे साथ बचपन में जो भी व्यवहार किया मेरे अच्छे के लिए किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं उन सब गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूं या माफी मांगती हूं। माफी मांग लो मां से और उसको गले से लगा लो। अपने पिता के चरण छू लो, अगर वो शरीर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी मन में उनको याद करो, पिता के चरण छू लो, हग करो, गले से मिलो, अपने माता पिता को गले से लगाओ और दोनों को मन से माफी मांग लो, मन से माफी मांग लो। अपने भाई बहनों से भी माफी मांग लो, भाई बहनों को गले से लगा लो
अपने उन मित्रों को भी गले से लगा लो। माता पिता से आशीर्वाद लो। एक पिंक लाइट, गोल्डन लाइट आपके ऊपर बरस रही है, जो प्रेम से भरी है, प्यार से भरी है, विश्वास से भरी है, तंदुरुस्ती से भरी है और उस हाईएस्ट सफलता से भरी है। आशीर्वाद लो, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लो और धीरे 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 वापिस आ जाओ। धीरे धीरे अपने शरीर में वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। अपने शोल्डर्स को टच कर लो, टैपिंग कर लो। अपने फेस को चेक करो, अपने शरीर को चेक करो। एंड ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। Open your eyes with a beautiful smile. Open your eyes with Golgate smile. सभी वापिस आ गए, कोई रह तो नहीं गया वहां पे? सभी आ गए वापिस? मुझे Golgate smile दिख रही है, लेकिन कुछ मुझे नहीं भी दिख रही है। प्रिया शर्मा, आपकी Golgate स्माइल कहाँ है बेटा? ये हुई ना बात भाई। यू आर ब्लेस्ड। तो हम सभी वापिस आ चुके हैं और अब हमारा जो ये शरीर है वो तैयार हो चुका है। किसके लिए? उस आकाशिक जर्नी के लिए। क्लटर्स के साथ नहीं जा सकते थे ना, तो हमने तुम्हें थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि तुमने क्या पाया। थोड़े टाइम के बाद ये एक्सपीरियंस आने लगेगा, क्योंकि तुम क्या ही हो गए हो, तुम केवल प्रेम देना जानते हो, प्रेम लेना जानते हो, बस इतनी सी बात। विश्वास, तंदुरुस्ती और वो हायर सक्सेस, वो सफलता, हर तरीके की सफलता। ये नहीं कि केवल पैसे की, नहीं, पैसा भी बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी जो हमारी साथ साथ चलती है ना, इन दोनों को बैलेंस्ड करना। इसके लिए जरूरी क्या था? जो बचपन से हमारे शरीर में ये जो हमारे पड़ा था ना क्लटर्स, इसको हटा के अभी हमने एक बेस तैयार कर दिया है। अब बेस अच्छा हो गया है तो आगे बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया बनने वाली है, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी। चाहे तुम इस पे 19 मंजिला बना लेना, चाहे तुमने 20 मंजिला बना लेना। भाई मैंने तुम्हारे जो मेरा काम था कि पहले इनके उसको क्लियर कर देना। ऑल ऑफ यू, मजा आया? सभी को एक बार अनम्यूट कर सभी को मैं, हाँ, सब अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर सके। हाँ, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। सभी अनम्यूट कर लीजिए मैम, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। सर, मैडम बहुत ही अच्छा लगा और पूरा फील हुआ। स्क्रीन नजर आई थी मेरे को, तो येलो कलर की स्क्रीन आपने जो पहले बोली थी, और बस बताने लायक नहीं है। सब कुछ जैसे खत्म हो गया, जितना बोझ था, भार था अपने लाइफ में, सब ऐसे रिलीज आउट हो गया। थैंक यू सो मच मैम। ओके, यस एनीवन, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्लीज? मैम मैं यामिनी बोल रही हूँ। यामिनी, यस यामिनी।
मैम मेरे को ना रोना बंद ही नहीं हो रहा, रोना ही रोना आ रहा है। हाँ तो आने दो ना, आंसू नहीं रुक रहे मेरे, क्लटर्स बहुत ज्यादा है ना। यही तो वो चीज थी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, यही वो चीज थी आगे बढ़ने से रोक रही है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी जो लाइफ में कंकड़ पत्थर, ये समझ लो ये कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। अभी हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, अभी हम आकाशिक फील्ड में तो जा ही नहीं रहे, अभी इन कंकड़ पत्थरों को हटाएंगे। ये वही कंकड़ पत्थर है बेटे जो दुखी दे रहे, दुख दे रहे थे तुम्हें। कोई बात नहीं, जी भर के रो लो, जी भर के रो लो, जितना रोते जाओगे अच्छा है। तुम्हें करवाते करवाते मेरे खुद के ही मेरा रोना निकल जाता है। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। यस नीलिमा, आप शेयर करना चाहेंगे? नीलिमा ने हैंड रेस किया। मैं तो प्लैंक हो गई। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ नीलिमा बोलो। मेरी तो ब्लैंक हो गई माँ, ब्लैंक, कहाँ चले गए पता नहीं, ब्लैंक हो गई मैं तो। बहुत अच्छी बात है, हम यही तो चाहते थे। आप ब्लैंक हो जाओ तभी तो भर पाओगे, घड़ाई तो खाली करना था ना। अगर घड़ा भरा ही होगा पहले से तो हम क्या ही करेंगे, हम ईश्वर के सामने कैसे जाएंगे। अपना घड़ा खाली, अभिमान का घड़ा खाली, ज्यादा करके चलेंगे ना, भाई मैं तो बहुत पढ़े लिखे हूँ, तो वो कहेगा ठीक है ना फिर तू वही रह। तो खाली करना जरूरी था, हर तरीके से खाली हो जाओ। खाली हो गई माँ, अभी कैसे देख रहे हैं माँ मेरा आउरा? नीलिमा आप पूछ रहे हैं? हाँ जी माँ। अब आप खुद फील करेंगे कि आपको फैदर से लगे हुए महसूस हो रहे होंगे, कि जैसे पंख से लग गए हैं मुझे, देखो कितने हल्के हो गए हो। इससे पहले जब आप बैठे थे तो आपकी कैसा ऑरा हो रहा था, एकदम से ऐसे लग रहा था कि पत्थर ही पड़े हुए, भारी सा, मतलब ब्लैक एनर्जी इतनी ज्यादा मुझे दिख रही थी। यहाँ पर ना बहुत दर्द हो रहा था दांत की वजह से माँ, इतना वो लेके भारी बैठ रही थी ना, इतना मेडिसिन भी लिया, अभी दो दो फ्लेक्शन खाया फिर भी कम नहीं हो रहा था, तो अभी जो किया ना गया, इसलिए ना वो भारी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लास में करते चलेंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने कल बोला था ना, यहाँ पर ऐसे होगा हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग लगे चोखा, पैसा कुछ नहीं खर्च होने वाला, ऐसे ही बड़ा मजा आएगा। बड़े हल्के में करेंगे, क्योंकि देखो हैवीनेस मुझे भी पसंद नहीं है, तो हैवी क्लास नहीं करनी है हमने, बड़ी हल्की हल्की क्लास करेंगे जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। बड़े आराम से सीखेंगे, खेल खेल में सीखते जाएंगे। यस एनी वन ऑफ यू जो, अच्छा शुक्ला, शुक्ला विश्वास जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। क्या बोलू और कुछ मैं बोल नहीं पा रही। बच्चे इमोशनल हो गए। हाँ बहुत ज्यादा, तो अच्छी बात है कि ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है अपने दिल दिमाग से या अपने जो कार्मिक पड़े हुए हैं वो कार्मिक भाई बहुत जरूरी है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी रेमेडी सिखाते हैं आपको और बाजार से कोई सामान लेकर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले उसकी क्लिंजिंग करो फिर उसको एनर्जाइज करके पहनो। पहले आपकी क्लिंजिंग हो रही है, जब तक ये क्लिंजिंग नहीं होगी हम आपके अंदर वो एक उड़ान, वो आकाशिक उड़ान की तरफ कैसे जाओगे। हमें हल्का होना है ना, नेचर क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, हल्की चीज ऊपर उठती है भारी चीज नीचे की तरफ आती है। तो ये जो कार्मिक है हमारे इफन बट लगे हुए हैं, इतने सारे नेगेटिव विचार ख्याल, हम पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें अपने दिल दिमाग में जो दबा के रखी हुई हमने, वो आपको भारी बनाती है। हमें हल्का बनना है और हल्के बनेंगे तो तभी उड़ पाएंगे उस आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाना, उस आकाश में, उस फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन में पहुंचने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। आज मैंने थोड़ा प्रोसेस कराया आपको हल्का करने का, इसी तरह आपको करने के लिए क्लिंजिंग कर होती रहेगी, साथ साथ आपको एनर्जाइज करते रहेंगे और मैम के साथ आप आकाश में उड़ेंगे। बच्चे तो बहुत ज्यादा रो गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, निकल जाने दो ना। हाँ, निकल जाऊंगा।
निकल जाता। आयुर्वेदा एक चीज कहता है, किसने अगर आयुर्वेदा पढ़ा होगा वहां पर ये बोला गया है कि किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी जो भी वेग है बह जाने दो, निकल जाने दो। इसलिए देखिएगा आप, कहा जाता है जब खुश हो तो हंसो और जब दुख दुख आए तो रोना भी जरूरी है। नहीं रोएंगे, अभी आपने देखा कोई भगवान अगर किसी को सैड न्यूज मिलती है तो उनको जबरदस्ती रुलाया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं रोए, वो नेगेटिव एनर्जी नहीं निकली तो कोई ना कोई ऑर्गन को खत्म कर देती है वो एनर्जी, किसी ऑर्गन को फेल कर सकती है। तो ये निकल जाने दो, बह जाने दो, आज हल्के हो जाओगे और फिर देखिए जीने का मजा क्या आएगा। और मैम का तो हो रहा है इतना स्ट्रॉन्ग है, इनके साथ तो वैसे ही बिना सीखे भी अगर वैसे ही बैठ जाओ ना थोड़ी देर, आप मैम कुछ बोले भी ना तो भी इनका हो रहा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको वैसे ही पॉजिटिव कर देती है। ये आपने ही ना ये किलो की पहचान, इफ द ट्रॉमा इज अभी तो आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, वो तो जो इनर चाइल्ड वो अपने चाइल्डहुड का करा है, पर वो जो अगर सपोज द ट्रॉमा इज स्टिल देयर अभी वाला, तो वो तो क्लियरेंस नहीं हुआ ना। किन्होंने पूछा? प्रतिभा गुप्ता जी। हाँ प्रतिभा गुप्ता जी, आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जो आपने चाइल्डहुड इनर हीलिंग कराया तो वो तो चाइल्डहुड का ट्रॉमा भी जैसे, तो जो अभी हमारा अभी का ट्रॉमा है वो तो बेटा अभी तो शुरुआत तो बचपन से ही करेंगे ना, हील नहीं हुआ ना। हाँ अच्छा, फिर धीरे धीरे तो ऊपर चढ़ेंगे ना। अभी हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मैंने एक चीज बोली कि अभी हम केवल बेस को छेड़ रहे हैं, केवल बेस ठीक करेंगे, उसके बाद ही आगे की चीजें। जो आज के ट्रॉमा है वो हम धीरे धीरे आकाशिक में उड़ेंगे ना, चलेंगे। अभी पहले अपने उस बचपन की चीजों को तो करो, जो बेस के अंदर हमारे कंकड़ पत्थर हमारे कार्मिकली पड़े हुए हैं उनको तो हम क्लीन करें ना पहले, उसके बाद हम आज के ट्रॉमा पे आएंगे। क्योंकि वो क्लियर, मतलब अभी तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। टाइम तो लगेगा भाई, अभी होगा, अभी तो टाइम लगेगा। वो चीज इतने 20 सालों से पड़ी हुई है तो वो धीरे धीरे ही तो होगी ना, एटलीस्ट 20 दिन तो उसको दो। अनुराग जी बाकी सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ, आप ना फिर नाम बुलाएंगे ना तो हम उन्हीं को अनम्यूट कर बुला लो, आपको ज्यादा आप अनम्यूट कर लो मैम एक बार। यस अनुराग जी, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी कुछ। जी सॉरी। यस अनुराग जी प्लीज। सर पहले तो मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, आई वाज अबाउट टू लीव इट, लीव द मीटिंग, बट समहाउ कुछ स्ट्राइक किया कि नहीं यार यू आर कुछ गलत कर रहे हो, तो बी देयर। Okay. और उसके बाद जैसे सब लोग आंसू, मतलब मैं रो नहीं रहा बट इट वाज माय टीयर्स वर देयर, आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माय सेल्फ, क्योंकि लगता ना कि बच्चे रोएंगे तो यार लोग कैसे समझेंगे, तो आई एम ऑल अलोन बट स्टिल मुझे बुरा लग रहा था। अच्छा लगा, मतलब जब आपने जो लास्ट बोला ना ऊपर से दिस पिंक लाइट एंड गोल्डन लाइट इज फॉलिंग ऑन यू, तो इट वॉज लुकिंग, मतलब अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ रिलीज हुआ अंदर से। दो मतलब जिस एज में बहुत सारे ट्रॉमास कैरी करते आ रहे हैं बचपन से, एंड इट्स कभी कभी तो लग रहा था कि मैं दूसरों को क्या माफ करूं, मुझे सबसे माफी की जरूरत है कि बहुत सारे खराब चीजें भी कर रखी हैं लाइफ में, तो जस्ट इट वाज ऑसम, बहुत अच्छा लगा, नाइस, गॉड ब्लेस यू। या थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। स्वाति जी दो दो स्वाति हमारे पास, पहले स्वाति श्रीवास्तव जी उसके बाद स्वाति। हाँ जी चल मैम, आपके साथ तो ऐसे भी एनर्जी इतनी हाई रहती है ना कि पूरा मन तो खुशी हो जाता है, सर से तो हम लोग सीख ही रहे हैं और आपके साथ तो एनर्जी बिल्कुल एकदम फुल चार्ज हो जाती है। और जब शुरू किया हम लोगों ने मेडिटेशन तो हम अभी अपने घर में स्टेज पे अकेले, ऐसा लगा कि जैसे कोई रूम में ऐसे लाइट सा लगा कि कोई एंट्री, कोई जैसे कोई आ रखता है, तो थोड़ी सी घबराहट भी हुई थोड़ी देर को कि हम तो अकेले हैं फिर कैसी, फिर उसके बाद सेटल डाउन हुआ। एक हार्ट बीट जैसे एक्साइटमेंट वाला होता ना कि जर्नी ऐसी वाली कि कहाँ जा रहे हैं चलो देखते हैं वैसे वाला, तो थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हुआ। फिर जब जैसे जैसे आपका चल रहा था आपकी आवाज सिर्फ सुनाई दे रही थी मैम,
और जैसे कहीं दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए थे, कुछ भी फैन की आवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा था, और एकदम ऐसे लग रहा था कि जो जो आप बोल रहे हैं बस उतना ही सुनाई दे रहा है, और कुछ अलग सी चीजें बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा था। टू बी ऑनेस्ट, आपने जो बोला ना कि ये विजुलाइज करना है, वो विजुलाइजेशन नहीं हो रहा था, बट एक अलग से वो एरिया सा दिख रहा था कि जहां पे हैं। और फिर जब बाकी आपने वापस आने को बोला गोल्डन लाइट, तो उससे तो बहुत चार्ज सा फील हुआ, एकदम पूरी बॉडी गूज़बम्स आ करके एकदम कूल फीलिंग आई है। तो काफी काफी हेल्प लग रही है, मतलब अभी तो बहुत रिलीज लग रहा है, बहुत काम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अभी स्वाति जी आपको लेते हैं। अभी किसी का मैसेज आया कि सर हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो ये कोर्स का एक बार डिटेल बता दीजिए, तो मैं एक बार वो शेयर कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर मैम के साथ चालू रखेंगे। तो मैम का जो कोर्स है वो आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन इसी तरह हम मैम से लगभग 1.5 से 2 घंटा डेली मैम के साथ कुछ ना कुछ सीखेंगे। और ये हमारा जो कोर्स है मैम के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स का, ये 15 डेज का कोर्स है, आज से शुरू हो चुका है। आज हमारी फर्स्ट पेड क्लास है, और जिसने एनरोल नहीं कराया वो कल करा लीजिएगा, हम आपको पेड ग्रुप में एनरोल कर लेंगे और वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने जो एक्चुअल कोस्ट है इसकी, वो 15,000 है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म पर, और हमने मोस्टली अपने ही स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को हमने इन्वाइट किया था, तो उनके लिए बहुत ही लो कॉस्ट में हमने लॉन्च किया है 6999 प्लस GST के साथ। तो आप में से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अभी भी मैम के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैम की जो जर्नी है, पिछले 25 साल की जर्नी है मैम की ऑकल्ट वर्ल्ड में, और मैम जो है लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग की सारी मॉडलिटी, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, PLR करती हैं, ओसोजैन, राइडर वेट, टैरो कार्ड, बहुत सारी मॉडलिटी जानती हैं, और पिछले 20 साल से सर्विसेज दे रही हैं और लोगों को पढ़ा रही हैं। तो सोचिए 25 साल 20 साल का जिसको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कंसल्टेंसी का, तो उनकी एनर्जी तो वैसे ही हाई हो जाएगी। तो मैम से आप सीख सकते हैं। और एक मेरा महावास्तु रेमेडीज का आप सभी के लिए एक गिफ्ट हैम्पर समझ लीजिएगा, सभी के लिए हम एक गिफ्ट हैम्पर लेकर आ रहे हैं। महावास्तु रेमेडीज का 2 दिन का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंगल पाई, आपने पैसा नहीं देना। यहाँ पर आपके कुछ मिथ है वास्तु के वो क्लियर करेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे कि वास्तु में क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में कि घड़ी किस दीवार में लगानी है, वॉशिंग मशीन कहाँ लगनी चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी हम वहाँ पर कवर करेंगे। और कुछ आपको माँ वास्तु की रेमेडीज बताएंगे जिससे आप अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपको 2 दिन का कोर्स। और इसके साथ एक और भी था हमारा, यस आकाशीय रिकॉर्ड तो हो गया, रुद्राक्ष का कोर्स हमारा जल्दी आने वाला है, इसी हफ्ते में आ जाएगा। और बहुत सारी क्वेरी आ रही है टैरो के लिए, क्योंकि टैरो की डेट डिसाइड नहीं थी, आज टैरो की डेट भी डिसाइड हो गई है। 20 अप्रैल से 6 PM ऑनवर्ड्स मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी, और इसमें तो खैर कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रोफेशनल टैरो कोर्स है हमारा, जो कि बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट पैकेज है, तो इसको भी आप सीख सकते हैं 7999 प्लस GST के साथ। ओके, और न्यूमरोलॉजी के वेबिनार, न्यूमरोलॉजी की क्लास, वास्तु की क्लास, ये सभी इसी महीने हमारी आने वाली हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें जिसका इंटरेस्ट है। यस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जिसने डिटेल मांगी थी उनको मिल गई होगी, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारी फर्स्ट पेड क्लास थी, इसी तरह रिच कंटेंट के साथ मैम के साथ जर्नी चालू रखेंगे हम अगले 15 दिन। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 9 PM ऑनवर्ड्स, तो 9 से 10:30 या 11 o'clock तक हम बैठेंगे। और आज एक्चुअली मेरे पास कुछ कॉल आई है, उन्होंने मेरे से ये पूछा है कि क्या आप दिन में भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, उन्होंने 3-4 बजे का कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज। आप जिनको दिन में पढ़ना है, वैसे तो जो हमारा एक ही बैच बनाया अभी हमने, क्योंकि फिर भी देख लेंगे, अगर नंबर ऑफ क्वेरी दिन के लिए आएंगी तो हम एक बार सेकंड थॉट ले सकते हैं, मतलब सेकंड बैच के लिए। जो बैच फिक्स हो गया वो तो हो गया, ठीक है, वो तो वहीं रहेंगे 9 बजे, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं जो दिन में करना चाहते हैं, दिन में कंफर्ट फील करते हैं, तो आप लेट मी नो, आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिएगा, फिर उसके लिए प्लान कर लेंगे, ठीक है, अभी करें या फिर 10 दिन बाद हम एक बार और इसको लॉन्च करें, देख लेंगे जैसे भी रहेगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट स्वाति जी. यस हेलो मैडम. हेलो सर. कंटिन्यू कीजिए, मैं 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूं आपको. आप अपने एंड से किसको अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है मैम. ठीक है. हेलो मैडम. हेलो जी स्वाति. हेलो हेलो. सो तो मैंने जब आपको देखा ना तो आई लाइक ऐसे हो रहा था कि देयर इज समथिंग चोकिंग माय थ्रोट. और जैसे ही आपको देखा तो आई डोंट नो कुछ तो ऐसा था कि जैसे से मूव हो गया और चोक कर रहा था थ्रोट को. बट आफ्टर अ वाइल लाइक आफ्टर मेडिटेशन आई फेल्ट बेटर. Yeah, obviously, like emotionally, yeah, I was quite emotional, but yeah, I mean, it was a good experience. और एक चीज और पूछनी थी मुझे कि क्या इससे generational trauma भी feel हो सकता है कि ये just specific है, specific to the person. ये specific to the person भी होता है. और अगर किसी तरीके का कोई भी trauma है वो सभी हील होते हैं. अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी फैमिली में एक पैटर्न है विच इज फॉलोइंग लाइक एवरी सेकंड जनरेशन. तो मेरा लाइफ में जो भी ट्रॉमा होता है ना इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट माय ग्रैंडमदर वेंट थ्रू. तो और आई रियली डोंट वांट दैट सिमिलर एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन को जाए. तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ना, देखना कि क्या रीजन है कि वो ट्रॉमा जनरेशन बाय जनरेशन रिपीट हो रहा है. तो मुझे ऐसे क्या लगता है कि इसमें एक चीज मुझे ऐसे रियलाइज होती है कि जैसे होता है ना कि स्टार सीड किड बोलते हैं जिसको कि जो आता है कि वो एक फिक्स कर सके. तो उसको खुद को बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बट That is ultimately, मतलब जिसका एक पर्पस होता है ना लाइफ का कि इसीलिए उसका जन्म हुआ है. दिस इज व्हाट आई गेट फीलिंग. क्योंकि कोई भी चीज़ करो ना तो हर चीज में प्रॉब्लम्स होती है. और बहुत सिमिलर होता है कि एक के साथ हो रहा है तो वो चीज़ मैं ही एक्सपीरियंस करती हूँ. और जितने तो मेरे इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. हाँ, मैंने PLR सेशंस भी लिए हुए हैं तो उसमें भी काफ़ी क्लियर हुआ है. बट आई स्टिल फील लाइक बहुत कुछ है जो मुझे और क्लियर करना है. तो इस जर्नी पर चलते हैं और उन चीजों को क्लियर करते हैं. ठीक है, मैंने अभी रजिस्टर नहीं करवाया. कोई बात नहीं कर दूंगी मैं कल. एक कर दूंगी. कोई बात कर दूंगी. यस आबिर. अनम्यूट करें. हेलो मैम. हेलो, कैसे हो? फर्स्ट क्लास, परमात्मा की कृपा. बहुत बढ़िया मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे ये फर्स्ट इंटरेक्शन ये वीडियो है और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो भी करता हूँ. कहाँ पे फॉलो कर रहे हो? यूट्यूब पे. और थोड़ा बहुत जो आपके जो ट्रायल जो वीडियोस होते हैं ना कोर्स के पहले से वही कोर्सेज के जो एक वीडियो होता है ट्रायल वीडियो वहाँ पे मैं बहुत दिनों से फॉलो भी करता हूँ और अच्छा लगता है आपकी क्लासेस में. और सच बताए तो एस्ट्रोग्राफी प्लेटफॉर्म में नागेश्वर और आप इन दोनों की एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसीलिए आप दोनों की क्लासेस ही देखती हूँ. और मैम मैंने तो बहुत कोशिश थी कि बहुत चाहती कि मैं आपसे कुछ सीखू आकाशिक रिकॉर्ड के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने एक नाम लिया था कोयल चक्रवर्ती का. हम दोनों एक ही साथ एक ही जगह पे हम रहते हैं और वो मेरा उड भी यहाँ से और हम दोनों एक साथ ही ज्वाइन करने की सोच रहे थे. अनफॉर्चुनेट एक मोमेंट ऐसा आ गया कि मैं सीख सकता हूँ या वो सीख सकते हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो तुम सीख लो डे बाय डे मैं तुमसे सुनता फिरूंगा कि तुम क्या सीखो क्या ऐसे ऐसे. और यही सेम कंडीशन हुआ था कि टैरो सेशन में. जब टैरो सेशन में मैंने नागेश्वर से बात की मेरे बहुत मन में इच्छा थी कि सर से टैरो सेशन सीखूं लेकिन वही सिचुएशन कोई एक सीख सकता है मैं या वो तो उसे नहीं सीखा तो चलो जो कुछ भी हो रहा है तुम सीखो मैं तुमसे बात डे बाय डे सुनता चला जाऊँगा क्या सीख रहा हूँ. मैं इतना कोशिश करता हूँ कि आप दोनों के साथ लाइव सेशन करो हो नहीं पा रहा पता नहीं क्यों. आज जाके हुआ है आपसे आपकी ब्लेसिंग्स
मिल पाया मुझे, तो थैंक यू सो मच. आपका भी डिवाइन का बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हो. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू मैम. गॉड ब्लेस यू माय सन. बालाजी. बाला. हेलो. हेलो जी. प्रणाम जी. प्रणाम जी. प्रणाम. बहुत अच्छा लगा. मैं तो बिल्कुल एकदम काम कूल और नींद में सो गई थी. मैं तो इतना प्यारा लग रहा था. मतलब मैं वैसे भी मेडिटेशन करती हूँ तो मतलब बहुत ही रिलैक्स एकदम. बस ठीक है. मेन यही है कि एक रिलैक्स हो जाओ. रिलैक्स हो जाओगे तो फिर जो है ना आगे की चीजें बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी. पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है. मेडिटेशन वही. अब जब कह रहे हैं ना रोना है तो रो लो हंस लो. पहले तो ये समझ नहीं आता था ये सब कुछ. अब ये चीजें होती है तो यही निकलता है कि अंदर से जो भी भरा हुआ है कचरा निकल रहा है. वो कहते हैं ना कि हम डस्टबिन थोड़ना है कि जो देगा तो ले लो और अपना भरते रहो भरते रहो. भगवान भी तो अच्छी उस पे आएगा ना. अब मंदिर को हम साफ सुथरा करते हैं सजाते हैं तो तभी भगवान को बिठाते हैं. तो ये अंदर का मंदिर भी तो प्योर करना है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो यही समझ आता है. तो अब तो ये चीजें लगती है कि हाँ वाकई चेंज अब अपने आप में नजर आता है ना. हाँ. अभी यू कैन आस्क. अभी ये स्पिरिचुअलिटी का मजा भी एक अलग ही मजा है. बिल्कुल भाई. यस आबिर यू कैन आस्क. अनम्यूट करें. हेलो मैम. मैम मेरा सवाल ये है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड में क्या ये रात को नाइट के टाइम पे आफ्टर सनसेट क्या ये किया जा सकता है? देखो अभी मैंने शुरू में बोला ना कि लेट नाइट नहीं करो. जैसे कि 10-11 बजे तक ठीक है. उसके बाद तुम सोचो कि भी हम बहुत ज्यादा कर ले. जब तक कि तुम्हें एक्सपीरियंस पूरा ना हो जाए तब तक मत छेड़ो. अच्छा. मतलब 11 बजे तक चलो, उसके आगे ज्यादा ना चलो. अच्छा मैम. और आकाशिक रिकॉर्ड खुद के लिए जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये क्या सिमिलर टू टैरो कार्ड की जैसा ही है? नहीं बिल्कुल नहीं. वहां पे भी रीडिंग डिफरेंट है. ये आपको एक बुक की तरह दिखेगा और यहाँ पर सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं. किसी को किसी फॉर्म में दिखेगा, किसी को किसी फॉर्म में दिखेगा. तो यहाँ चीजें अलग अलग हो सकती है. यहाँ पर टैरो इज बिल्कुल डिफरेंट. यहाँ पर टैरो का कुछ लेना देना नहीं है. ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है. ओके थैंक यू. थैंक यू. यस नीतू वर्मा. यस नीतू वर्मा. हेलो मैम. आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मैम. बट पता नहीं ये करके ऐसा लगा जैसे चेस्ट पे ना बहुत हैवीनेस हो गया बहुत ज्यादा. मैं आई वॉज विजुलाइजिंग एवरीथिंग. जैसा आपने बोला वो टीवी स्क्रीन सब कुछ कुछ तो थे. बचपन की चीजें तो कुछ ना हर किसी के साथ रहती है. बट उसके बाद ऐसा लगा जैसे पूरी अपर पोर्शन अपर बॉडी जो है वो हैवी हो गई. चेस्ट पे बहुत हैवीनेस लग रही है. तो जब अगर आपको हैवीनेस लग रही है ना तो वैसे तो वो ये होता है कि जो रो देते हैं ऐसा कुछ आ रहा है. कोई ट्रॉमा सामने आ रहा है, कुछ चीज सामने आ रही है तो जो रो देते हैं तो वो तो हल्के हो जाते हैं. अगर आप रोए नहीं है या कोई भी कारण से परिवार में कोई था या ऐसा कुछ तो उस समय पे आप क्या करो एक्सरसाइज कर लो. देखो मेरी आईज देखो. जैसे हम आईज को मूवमेंट देते हैं तो ऐसे आप 5-7 बार आईज को मूवमेंट दो तो ये एक्सरसाइज आप करो. हाँ ये बात तो सही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो. हाँ रो बट पता नहीं रो भी नहीं पाई और बहुत आपने उस वेग को रोक लिया ना. वो जो बहाव आ रहा था ना आपने उसको रोक दिया तो वो आपका छाती पर जम गया जिसकी वजह से आपके जो अपर चक्रास थे ना वो इस समय भरे हुए हैं. तो आप जैसे जैसे फिर से करोगे ना तो आपको एकदम से आंसू निकल जाएगा और निकल जाएगा तो आप हल्के हो जाओगे. और अगर नहीं निकल पाया तो अभी आप मैनेजर से अभी आपको एक्सरसाइज बताई एक्सरसाइज कर लो. 4-5 मिनट करो चीजें ठीक हो जाएंगी. जी मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. यस संतोष. संतोष जी. संतोष जी अनम्यूट करें. जिनका हो चुका हो प्लीज अपने हैंड डाउन कर लीजिए. रिया शर्मा. प्रिया शर्मा. प्रिया शर्मा. जय श्री कृष्ण मैम. जय श्री कृष्ण. मैं पूछना चाहती हूँ कि इस
इस कोर्स को से हमको हमारी हीलिंग में तो हेल्प मिलेगी ही, हम दूसरे को भी हील कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। तो हमें उनको ऐसा वाला मेडिटेशन करवाना पड़ेगा जैसा आप करवाते हैं? जरूरी नहीं होता। क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, या तो आप उनके लिए करेंगे, आपको अगर लगेगा कि सामने वाले के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है ना, तो तब आप उनसे करवाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी तो करते ही है ना, तो हम उनसे परमिशन लेंगे, परमिशन लेके हम खुद कर सकते हैं उनके लिए। और जो चीज उस समय पर हम वहां पर देखते हैं, करते हैं, जो भी चीजें हमें वहां पर नजर आती हैं, कोई सिंबल्स नजर आते हैं, कोई हमें न्यूमेरिकल नंबर नजर आते हैं, तो वो सारी चीजें हम नोट करते जाएंगे और फिर हम वो चीजें उनको बताते हैं। मैम कल वाला मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का तो क्या है कि लाइफ का हर एक फेज होता है, तो चाइल्डहुड का मेरा फेज अच्छा था तो इतना मुझे नहीं लगा, मुझे पर मैंने एंजॉय किया उसको, वापस से इसको देखा तो मुझे एंजॉय किया जो एक दो चीजें थी तो उसके लिए थोड़ा सा ठीक है। बट कल का मुझे इतना लाइट फील हुआ, वो जो आपने बताया था कि नेगेटिव पीपल, जो भी आपके लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है उसको लेकर आओ, और मुझे उसके बाद में उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट आया ही नहीं, तब भी मुझे हर वक्त नेगेटिव हो रही थी मैं उसके लिए। तो बहुत अच्छी बात है ना, वहां पर जाकर आपको नेगेटिव थॉट आया ही नहीं उस समय पर। जी तो बहुत अच्छी बात भी नहीं आया, अभी तक नहीं आ रहा है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना, तो यूनिवर्स अपने आप उन चीजों को हील कर रहा है ना। मैंने कल एक बात और भी बोली थी, कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हें एफर्ट नहीं डालना होता। एक बात मैंने कही, तुम वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए गए, बहुत जरूरी नहीं होता कि तुम्हें वहां पर दर्शन हुए या नहीं हुए, तुम्हें सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं, तुम वहां तक चले गए, बाकी यूनिवर्स को अपना काम करने दो ना। जैसे कि कल नागेश सर ने भी आपको एक चीज बोली थी, कृष्णा को अपना काम करने दो, तो फ्री हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे तो फिर वो अपना उत्पात मचाएंगे। तो इसलिए तुमने जो अपना काम करना था तुमने कर दिया। जी थैंक यू सो मच, वेलकम। संगम जीत जी, संगम जीत जी, हेलो, राधे राधे। राधे राधे जी। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइनिंग किया क्लास को, तो मैं थोड़ा सा क्या मेरे को डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं ये आकाश रीडिंग क्या होती है थोड़ी बहुत? एक्चुअली मेरी क्लास चल रही थी इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। सर आपको इसके लिए कल का वेबिनार देखे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आज की स्टार्टिंग अगर आप नहीं देख पाए हैं ना तो यूट्यूब पे ये आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये हमारी पेड क्लास थी लेकिन सर ने इसको जो है उसमें डाल दिया कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें फर्स्ट डे की पूरा उसमें जाना है, तो आपको ये मिल उसमें पूरी रिकॉर्डिंग आपको देख लेना पड़ेगा। इसमें हीलिंग की जैसी है, इसमें आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, ऊंचा बोले। मैं बोलूं कि हीलिंग जैसी है क्या, इसमें हीलिंग करना होता है क्या इसमें? हाँ हील भी करते हैं हम। ओके, मैं हीलिंग से जो मैसेज आता है सर मैं वही चीज होगी ना? हाँ, पहले हम अपनी रिकॉर्ड ओपन करते हैं, उसके अंदर चीजें चेक करेंगे, और उसके बाद अगर वहां पर कुछ नेगेटिव पड़ा हुआ है तो वो बात तो नहीं ना, अब एक बात समझनी पड़ेगी ना। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर ने बोला कि आपको प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो डायग्नोस करके एक स्लिप बनाके दे दी, आफ्टर दैट व्हाट? अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगे तो उसका तो डायग्नोस का तो कोई फायदा नहीं है ना। यस मैम। तो ये चीजें हैं। थैंक यू मैम, वेलकम। मोहम्मद, मोहम्मद रेफ्यूजी, मोहम्मद रफी जी अपने आपको अनम्यूट करें। मोहम्मद रफी जी अपने आपको अनम्यूट करें। आई थिंक ये है नहीं शायद, या कर नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट नागेश सर आप यहीं पे हैं? हेलो नागेश जी आप अवेलेबल हैं?
मुझे लग रहा है कि वो गए हैं। तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, किसी का कोई भी और क्वेरी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको? 100% रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब में, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, पीडीएफ आपको मिलेगा और जो भी बाकी चीजें होती हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सब आपको दिया जाएगा। मैं आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम तो क्लास आज का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा यूट्यूब में चला जाएगा ना? हाँ आज का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ओके मैम थैंक यू। ठीक है तो अब हम आज की क्लास यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं, और किसी की कोई क्वेरी रह गई होगी तो फिर वो हम उसको कर लेंगे। यस आबिर एनी क्वेरी? यस मन नहीं भरता आपसे बात करते हुए इसीलिए तो अभी बंद कर दिया। अभी बहुत बातें करेंगे मैम। मेरा तो बहुत चाहती कि आपसे लाइव क्लासेस कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं डिवाइन का क्या गाइडेंस है मुझे वो चांस नहीं मिला आपसे लाइव क्लासेस नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करने की। कोयल वो मेरा चांसेस छीन के ले गया अब क्या ही बताया, अब बार बार उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा कि मैम ने आज क्या बताया, मैम ने आज क्या बताया, यही जो अभी तक हमने नहीं की थी। डेफिनेटली मैम मैं तो उसे सुनता चला जाऊंगा कि मैम ने आज क्या बताया, आपसे इतना अच्छा लगता है बातें करते हुए। और मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये आकाशीय रिकॉर्ड इस कोर्स को सीखने के बाद किसी को दूसरों को सिखाया जा सकता है या टीच किया जा सकता है? हाँ, जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, जब मैं आपको चेक कर लूंगी, जब मुझे लगेगा कि अब ये मेरे बच्चे जो हैं इतने लायक हो चुके हैं कि मैं इनको अट्यूनमेंट दूं ताकि ये आगे अपने लिए और आगे लोगों को सिखा सके, बच्चों को सिखा सके, तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब इन बच्चों को हम इस लायक बना सकते हैं, उस समय अट्यूनमेंट आपको दी जाएगी। उस समय के बाद आप कैपेबल हो जाओगे कि आप सिखा सकोगे। चलो स्वाति श्रीवास्तव, अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? आबिर, अभी स्वाति जी ने क्वेश्चन पूछा है, स्वाति जी ने आपके लिए चैट बॉक्स में कुछ लिखा है। पता नहीं मैम, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी नया हूँ। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये लिखा है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की है तो स्वाति जी से आप डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप में नंबर होगा उनका। मैम आपसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ, बस मेरे डाउट क्लियर हो चुका है, थैंक यू। ठीक तो चलिए, तो सभी को हम यहीं पर सेशन को कंक्लूड करते हैं, और सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार सारे जरा नारा लगा लें और फिर कल हम एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे और कल हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जरा नारा तो जोर से लगा लो, जो जो भी यहाँ पर अनम्यूट है। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण।